अस्सलाम वालेकुम नाजरीन आप देख रहे हैं ऑल अबाउट इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्विस्टिक्स मैं हूँ ज़हीर अहमद और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जॉन डॉन की बायोग्राफी और उसकी जो लाइफ इवेंट्स है वो हम आज पढ़ेंगे सो लेट्स बिगिन जॉन डॉन वाज बोर्न इन 1572 एंड डाइड इन 1631 जॉन डॉन इंग्लिश लैंग्वेज की एक लीडिंग पोइट है जॉन डॉन की पोइट्री मीठा फिजिकल पोइट्री है कंसिडर किया uh, जाता है द ग्रेटेस्ट लव पोइट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज जॉन डॉन की जो बर्थ थी वो एक कैथोलिक फैमिली में हो गई थी फिफ्टीन टू में इस वक्त जो कैथोलिक चर्च था उसके ख़िलाफ़ बगावत चल रही थी उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही थी इंग्लैंड में डॉन का जो आ, फादर था उसका नाम भी जॉन था वो एक कामयाब ताजर थे इंग्लैंड के डॉन की जो मदर थी एलिजाबेथ हेवुड, वो मशहूर जो कैथोलिक चर्च के शहदाओ में शुमार किया जाता है सेंट थॉमस उसकी ग्रेन नीस थी चूँकि जॉन डॉन की ताल्लुक एक रिलीजियस फैमिली से था सो उसकी जो हम पोइट्री है या पढ़ेंगे या जितने भी लाइफ में इवेंट्स है उसकी मज़हब ने उस पर बहुत असर डाला है फिफ्टीन सेवेंटी सिक्स में डॉन का जो फादर है वो उसकी डेथ हो गई और डॉन की मदर ने दोबारा शादी की एक विल्दी मैन से जब डॉन की उम्र ग्यारह साल थी तब वो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में दाखिल हो गए एंड देन लेटर ऑन ही जॉ कैम्ब्रिज लेकिन उसने कभी डिग्री नहीं रिसीव की इन यूनिवर्सिटी से उसकी रीज़न कैथोलिसम तो, तो थी क्योंकि उस वक्त और जो कैथोलिक चर्च था उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता था क्योंकि इसके जो रूल्स थे वो इंतहाई ज़्यादा सख्त कंसिडर किए जाते थे और लोग अपनी ज़िंदगी में आसानी पैदा करने के लिए जो दूसरा चर्च है चर्च ऑफ इंग्लैंड और इंग्लिखान उसको ज़्यादा फॉलो करते थे सो इस वजह से वो एक कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करता था उसने डिग्री रिसीव नहीं की जब डॉन की उम्र बीस साल हो गई तो वो लिंकन इन में लास्ट स्टडी कर रहा था और उसे एक 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 ये डिप्लोमेटिक कैरियर के, के लिए ख़ुद को तैयार कर रहा था फिफ्टीन नाइन्टीज़ में उसे वरासत में जितनी भी दौलत मिल गई थी जितनी भी ज़मीन वगैरह कुछ भी मिला था उसने खर्च के तीन चीज़ों पे औरतों पे किताबों और ट्रेवल पे और ये वो वक्त था जिसमें जॉन डॉन ने लिरिक्स लिखे अबाउट लव एंड एरोटिक एरोटिक मींस सेक्सुअल डिज़ायर यानी ये फिफ्टीन नाइनटीज़ का दौर था जब जॉन डॉन ने मोहब्बत और सेक्सुअल डिज़ायर पे फॉर्म्स लिखे हिज फर्स्ट वर्क फॉर्म सेठाई एंड सॉन्ग्स ऑफ सॉनेट्स ये जो उसका फर्स्ट वर्क था बहुत ही कम लोगों ने आ, इसको एडमायर किया था आ, इसको आ, सराहा था नाउ विल टॉक अबाउट हिज वाइफ एंड फैमिली 1593 में जॉन डॉन का जो ब्रदर था वो हेनरी किसी जुर्म ने वो आ, उसे गिरफ़्तार कर दिया गया कैथोलिक चर्च ने और आ, वो प्रिजन ही था जब उसका इंतकाल हो गया सो so, ये जो इसका हेनरी काटित था इसने बहुत बड़ा असर डाला जानडान की ज़िंदगी पर इसने जानडान की जो कैथोलिक चर्च के मुतालिक जो नज़रियात थे वो एकदम तब्दील कर दिए जानड क्वेश्चन अबाउट कैथोलिक फेथ एंड ही इंस्पायर्ड एंड ही रोट अबाउट द रिलीजन एट द एज ऑफ ट्वेंटी फाइव जॉन डॉन वॉज अपॉइंटेड प्राइवेट सिक्योरटरी टू सार थामस एगरटन लॉर्ड कीपर ऑफ़ द ग्रेट सील ऑफ इंग्लैंड ट्वेंटी फाइव में एट द एज ऑफ ट्वेंटी फाइव जॉन डॉन नेज ए सिक्योरटरी पेशा अख्तियार थमस एगरटन से के साथ थामस एगरटन के साथ जॉन डॉन ने कई साल सर्विस सरन्जाम दी और ये वो पीरियड था जा, जिसमें जॉनडॉन की जो आ, रिलीजियस फेथ थी वो कैथोलिक चर्च से तब्दील होकर के इंग्लिखान चर्च तक आ, उसकी जो फेथ थी वो तब्दील हो गई इंग्लिकान चर्च की तरफ ये जो कामयाब पेरियड था इसने सिक्सटीन जीरो वन में जॉनडॉन को मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट बना दिया और ये द सेम इयर इन सिक्सटीन जीरो वन ही मेरिट विद एनी एनी मोर एनी मोर जो तो ये एगरठन की भतीजी थी और जॉर्ज मोर की बेटी थी उसकी उम्र सोलह साल थी जब जॉन जॉन्डॉन ने उसके साथ शादी की और ये जो एगरठन थे और मोर बिल्कुल इसके ख़िलाफ़ थे इसी वजह से मोर ने अपनी बेटी के लिए आ, जहेज में कुछ नहीं दिया और ये बात इस पर सिर्फ ख़त्म ना हुई बल्कि जो लॉर्ड इगरटन थे जिसके साथ ये सिक्योरिटी थे उसने जॉन डान को इम्प्रजेंट किया उसको जेल में डाला और आफ्टर द एट ईयर जॉन डान बहुत स्ट्रगल के बाद रिलीज़ हो गया और उसके बाद एन के जो फादर थे उसने डावरी भी पे की अपनी बेटी को अगर हम उसकी फॉर्म्स और राइटिंग करियर की बात करें तो सिक्सटीन में जॉन डॉन ने एंटी कैथोलिक फॉर्म्स की एक सीरीज़ पब्लिश की थी सोडो मठायर के नाम से ये आ, ये वजाहत कर रही थी ये शो कर रहा था कि जॉन डॉन की जो, जो रिलीजियस पे थे वो कैथोलिक से चेंज हो गए सो ये एंटी कैथोलिक था यानी कैथोलिक के, के ख़िलाफ़ उसने आ, ये फॉर्म्स लिख दिए थे एंड इट ही प्रोपोज टू द आर्गोमेंट दट रोमन कैथोलिक कोड सपोर्ट जेम्स वन विदाउट कम्प्रोमाइजिंग दियर रिलीजियन रिलीजियस लॉयल्टी टू द फो और ये बात थी जो किंग और हाउस ऑफ लॉर्ड जो थे उसको बहुत ज़्यादा पसंद आई इसी वजह से सिक्सटीन फिफ्टीन में जॉन डॉन को रॉयल प्रीस मकर कर दिया गया रॉयल छ मीन्स वो आ, शाही फादरी बन गया His elaborate metaphor religious symbolism and flair for drama soon established him as a great preacher और यही वजह थी कि जानडॉन के फैमिली का जो बैकग्राउंड था वो भी रिलीजियस था और जानडॉन रिलीजन से बहुत ज़्यादा मुतासर भी हो गया था सो इसने ये सारी चीज़ें मिठापर यू उसकी रिलीजन सिम्बोलिज़म ये सारी उसने एक अच्छा प्रियचर तबलीगी बनाया मजहब का इन सिक्सटीन सेवेंटी डॉन की जो वाइफ थी वो बारह बच्चे की पैदाइश पे उसकी डेथ हो गई टाइम फॉर राइटिंग लव ओवर ये वो वक्त था जब जॉन डॉन ने मोहब्बत के मुतालिक लिखना बंद कर दिया एंड डॉन डिवोटेड हिज इनर्जीज़ टू मोर रिलीजियस सब्जेक्ट्स और इसके बाद जॉन डॉन ने अपनी जो सारी इनर्जी है वो मज़हब के लिए वकअप कर दी इन सिक्सटीन टी वन डन बिकम डीन ऑफ स्टिफावल्स कैथेड्रल ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ सेवर इलनेस ही ऑफर इमरजेंट ओकेजन पब्लिश इन सिक्सटी टी फिकीन ट्वेंटी फोर में इसने अपने एक अनदर पोइट्री जो है वो पब्लिश की जो डिवोशन अपन इमरजेंट ओकेजन के नाम से दिया ये वही वक्त था जब जॉन डॉन की सेहत बिगड़ रही थी वो बीमार हो रहा था उसका जो ये वर्क था वो इमोट लाइंस पर मुश्तम था जैसे नो मैन इज एन आइलैंड एंड नेवर सिन टू नो फार होम टू बिल्ड टूल्स इट टूल्स फार थी ये टाइम द सेम ईयर डॉन वॉज एम्पॉर्टेंट विकर ऑफ स्टी डेंस्टन्स इन दस्ट एंड बिकम नाउन फार हिज लूक ये वही वक्त था जब जॉन्डॉन नेम्पोर्टल लाइन शुरू की और वह पॉइंट हो गया इज़र ऑफ दी डेंट जो वेस्ट में थी और वह अपनी सरम्स के मुतल बहुत ही ज़्यादा मशहूर हो गया अब जब जॉन्डान की डिथ के मुतालिक हम बात करें तो उसकी जो सेहत थी वो बिगड़ती रही थी एंड उसे मौत की तरफ धकेल रही थी शॉर्टली बिफोर ही डाइट उसकी डिथ के कुछ ही अरसे बाद या इसके डिथ के कुछ ही अरसे पहले ही डिले, ही डिलेवर्ड फ्री फ्यूनरल सरमन डिथ डोल के नाम से उसने एक सरमन की थी his writing was charismatic and inventive it means that his writing was full of beauty uski writing mein shaili ki bahut zyada hai and inventive aur wo nayi nayi cheeze invent kar raha writing his compelling uh, compelling examination of the mortal paradox influenced english poets for generation don quixote poetry thi usne एक जनरेशन के जो पोइट्स थे उस पर बहुत ज़्यादा असर डाली थी उस पर बहुत ज़्यादा आते हैं। डॉन वॉज डाइड इन मार्च थर्टी वन सिक्सटीन थर्टी वन सोलह सौ में जॉन डॉन की बाकायदा डेथ हो गई थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सटेसी ये बहुत ही अच्छा फॉर्म है जॉन डॉन की बहुत ही लंबा भी है और आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा सो नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट एक्सटेस थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर योर फैशन